नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं मोहित सिंह प्रोक्ता यांत्रिकी राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय झुंझुनू। इस वीडियो लेक्चर में हम मैकेनिकल डिप्लोमा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट ME 203 यूनिट 5 इंजीनियरिंग प्लास्टिक एंड फाइबर्स उसके बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है प्लास्टिक्स और उनका जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं पॉलीमर्स के बारे में, और आपको बता दूं कि जो पॉलीमर्स है उनसे ही प्लास्टिक बनाए जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पॉलीमर्स और प्लास्टिक में। तो बात करते हैं प्लास्टिक की। तो पॉलीमर में यदि कुछ अदर मटेरियल मिला दिए जाए, उनके साथ ही पॉलीमर के साथ अलग मटेरियल को कंपाउंड कर दिया जाए, जैसे फिलर्स है, प्लास्टिसाइजर्स है, पिगमेंट्स है इत्यादि, तब जो फिनिश प्रोडक्ट्स बनता है उसे प्लास्टिक कहते हैं, है ना। तो सिंपल डेफिनेशन है, यदि पॉलीमर में आप अदर मटेरियल्स कंपाउंड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, प्लास्टिक। अदर मटेरियल कौन से, जैसे पिगमेंट है, प्लास्टिसाइजर है, फिलर्स है इत्यादि, ठीक है। तो जो प्लास्टिक है ये एक पूरे सिंथेटिक मटेरियल की फैमिली है जो पॉलीमर से बनती है या मॉलिक्यूल के रिपीट होने से बनती है, जिसकी एक लॉन्ग चैन होती है तथा हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है ना। तो सेम डेफिनेशन है पॉलीमर की भी, अपन ने यही पढ़ी थी कि फ्लेक्सिबल लॉन्ग चैन होती है, हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है। और एक सिंथेटिक मटेरियल है प्लास्टिक। ये जो प्लास्टिक है वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, मोल्डेबल होते हैं, यानी आसानी से इनको सांचों में ढाला जा सकता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग, इनसे प्रोडक्ट बनाना, मैन्युफैक्चर करना आसान है, ठीक है। बहुत सी प्रकार की शेप में इनको ढाला जा सकता है हीट तथा प्रेशर का उपयोग करके, ठीक है। आप सब ने देखा होगा जो प्लास्टिक के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, ठीक है। तो जो प्लास्टिक जो मार्केट में मिलता है ना, वो किसके रूप में मिलता है, शीट के रूप में मिलता है, फिल्म्स के फाइबर या छोटे छोटे दानों के रूप में, ठीक है, पाउडर्स के रूप में। उनको फिर जो इनके लिए स्पेशल मशीन होती है, जैसे इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, ठीक है, उसमें उस जो आपने जो प्लास्टिक की रॉ मटेरियल लेके आए, रॉ प्लास्टिक, ठीक है, उनको आप हीट तथा प्रेशर के एप्लीकेशन से प्रोडक्ट, डिज़ायर प्रोडक्ट बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि प्लास्टिक है उनका प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो पॉलीमर है वो पॉलीमराइजेशन से बनाया जाता है, यानी मोनोमर है उसका पॉलीमराइजेशन किया जाता है तो पॉलीमर बनता है, ठीक है। इसके लिए प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होता है, प्रेशर चाहिए होता है तथा साथ में उत्प्रेरक चाहिए होता है यदि ज़रूरी हो तो, ठीक है। जो इस प्रकार का जो ये प्रोसेस है पॉलीमराइजेशन का, एक रेजिन रिएक्टर में किया जाता है, जो ये मशीन है रेजिन रिएक्टर उसके अंदर किया जाता है। रिएक्टर जो होता है वो एक क्लोज वर्टिकल वेसल होता है, यानी बंद ऊर्ध्वाधर पात्र होता है जिसमें एजिटेटर लगा होता है। एजिटेटर का मतलब है उस जो मिक्सर डाला जाएगा प्लास्टिक बनाने के लिए, उसको वो एजिटेट करता रहेगा, ठीक है, ताकि यूनिफॉर्म रूप से मिक्सिंग हो सके, ठीक है। फिर इस पात्र को बाहर से गर्म किया जाता है और हाई प्रेशर को हैंडल करने के लिए बनाया जाता है। ये जो पात्र है हाई प्रेशर को हैंडल करने वाला होना चाहिए और इसको बाहर से गर्म करना पड़ता है, और प्रेशर लगभग 20 kg/mm² तक का इसमें सहन करने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से प्लास्टिक बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं कुछ जो प्लास्टिक है उनको कैसे बनाया जाता है, जैसे सेलुलोज प्लास्टिक है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जो दे रखा है यहाँ पे सेलुलोज प्लास्टिक, तो सेलुलोज प्लास्टिक होते हैं वो सेलुलोज से बनाए जाते हैं, और सेलुलोज कहाँ से प्राप्त होता है, जो पेड़ पौधे हैं उनसे प्राप्त होता है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तथा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल है ना, कार्बनिक पदार्थ है, कच्चा पदार्थ है सेलुलोज प्लास्टिक बनाने के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है पेड़ पौधों से, क्योंकि प्राप्त होता है इसलिए इसकी जो मात्रा बहुत ज़्यादा उपलब्ध है। तो 98% तक कॉटन फाइबर होता है, जो आपका कपास का फाइबर है, तथा जितनी भी लकड़ी है उसमें 50% में क्या होता है, सेलुलोज होता है,
ठीक है। तो जो सेल्यूलोज है प्लास्टिक बनाने के लिए, तो कॉटन से या लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। तो सेल्यूलोज प्लास्टिक के साथ में एक नेचुरल प्लास्टिक होता है, जो सिंथेटिक प्रोडक्ट होते हैं। सिंथेटिक का मतलब जिन्हें हम बनाते हैं लैब में, ठीक है, मैन मेड जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे नाइलोन है, इनको एथिलीन है, पॉलीएथिलीन है, ठीक है। एथिलीन जो आपको प्राप्त होती है पेट्रोलियम के बाई प्रोडक्ट है, उनसे फिर अपन उसका पॉलीमराइजेशन करते हैं तो पॉलीएथिलीन बनती है, तो सिंथेटिक प्लास्टिक है। जो सेलुलोज है उसका केमिकल फॉर्मूला है C6H10O5, ठीक है। इसमें अनहाइड्रेट यूनिट होती है, 3-हाइड्रोक्सिल यूनिट होती है, जो ऑक्सीजन के द्वारा लिंक्ड रहती है। सेलुलोज में क्या होता है, जो OH जो ग्रुप है ना हाइड्रोक्सिल, वो रिप्लेस होता है, जिसे सेलुलोज इस्टर, इथर इत्यादि बनाए जाते हैं। सेलुलोज प्लास्टिक के एग्जांपल दे रखे हैं, सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज एसीटेट, एथिल सेलुलोज इत्यादि इसके एग्जांपल है, जो सेलुलोज प्लास्टिक के एग्जांपल है। इसके बाद दूसरा है पॉलीओलिफिन प्लास्टिक्स, ये आपको दिख रहा होगा, पॉलीओलिफिन प्लास्टिक, इनको बनाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, जो है C2H4, ठीक है। ये आपको पहले भी बता चुके हैं एथिलीन का फॉर्मूला, जो पॉलीओलिफिन है प्लास्टिक, उसको एथिलीन से बनाया जाता है, ठीक है। एथिलीन कहाँ से प्राप्त होती है, पेट्रोलियम के जो बाई प्रोडक्ट है उनसे, जब पेट्रोलियम का जो फ्रैक्शन किया जाता है, जो क्रूड ऑयल प्राप्त होता है ना, जमीन में तेल ऑयल वेल है, उनसे जो क्रूड ऑयल प्राप्त होता है, उसमें से अलग अलग जो प्रोडक्ट अलग किए जाते हैं, जैसे पेट्रोल अलग किया जाता है, डीजल अलग किया जाता है, केरोसिन अलग किया जाता है, नेफ्थलीन अलग किया जाता है, वैसे ही एथिलीन भी एक उसी का प्रोडक्ट है पेट्रोलियम का, ठीक है। इसको पॉलीमराइज करके पॉलीएथिलीन थर्मोप्लास्टिक रेजिन भी बनाए जाते हैं, ये अपन बाद में देखेंगे क्लासिफिकेशन में, थर्मोप्लास्टिक क्या है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है। तो पॉलीएथिलीन क्या है, थर्मोप्लास्टिक रेजिन है। तो पॉलीएथिलीन को क्रॉस लिंक्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन बीम के बॉम्बार्डमेंट से या केमिकल रिएक्शन से। इसके अलावा पॉलीएथिलीन को पॉलीप्रोपाइलीन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। जो पॉलीप्रोपाइलीन होती है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत ही कम होती है, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और इसकी कंप्रेसिव तथा फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके बाद है फिनोलिक प्लास्टिक्स, यहाँ पे फिनोलिक प्लास्टिक है, इनको फिनोल तथा एल्डिहाइड की रिएक्शन से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसको बनाने में जो पॉलीमराइजेशन में जो प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है, आपके टू टाइप्स के बताए थे, एडिशन और कंडेंसेशन। तो फिनोलिक प्लास्टिक बनाने में कौन सी जो केमिकल रिएक्शन होती है, वो होती है कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, जिसमें वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है वो अलग होता है। जब ये फिनोल्स को एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाई जाती है तो वाटर एक बाई प्रोडक्ट के रूप में अलग होता है और फिनोलिक प्लास्टिक बनते हैं, जो कंडेंसेशन प्रोसेस है, ठीक है। इस प्रकार के जो एग्जांपल है वो है फिनोलिक प्लास्टिक के, वो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड है, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड है और बेकेलाइट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं वाइनिल क्लोराइड तथा वाइनिल एसीटेट पॉलीमर्स है, वो एथिलीन तथा एसिटिलीन से बनाए जाते हैं, ठीक है। वाइनिल क्लोराइड तथा वाइनिल एसीटेट पॉलीमर है, जो एथिलीन तथा एसिटिलीन से बनाए जाते हैं। इन्हीं पॉलीमर्स को पॉलीमराइज करके वाइनिल पॉलीवाइनिल क्लोराइड, जो पीवीसी आपने नाम सुना होगा, ये पीवीसी पाइप है जो अपन वाटर फिटिंग में, इलेक्ट्रिकल फिटिंग में जो काम में लेते हैं, प्लास्टिक की पाइपें, वो क्या है, पीवीसी पाइप बोलते हैं ना,
वो इसी से बनाई जाती है, एथिलीन से। एथिलीन से पहले क्या बनाया जाता है, आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, आप उसमें वाइनिल क्लोराइड उससे बना सकते हो। फिर वाइनिल क्लोराइड है एथिलीन में, आप वाइनिल क्लोराइड कैसे बनाते हो, एक जो एच परमाणु है उससे क्लोरीन को रिप्लेस करके। ये आपको अभी दिखाता हूँ, अपन ने देखा भी था, ये रहा वाइनिल क्लोराइड किससे बनाया है, एथिलीन से, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ये जो एच एटम था इसको किससे रिप्लेस किया गया है, क्लोरीन एटम से। तो ये जो एथिलीन थी वो क्या बन गई, वाइनिल क्लोराइड। अब इस वाइनिल क्लोराइड का पॉलीमराइजेशन करोगे तो क्या बनता है, पॉली वाइनिल क्लोराइड, या शॉर्ट नेम है इसका PVC, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है ना, आपने भी खूब नाम सुना होगा। जो ये PVC होता है, पॉली वाइनिल क्लोराइड, काफ़ी हार्ड होता है, टफ मटेरियल होता है, इसमें केमिकल्स के प्रति अच्छा रेजिस्टेंस भी होता है, ठीक है, यानी केमिकल इस इत्यादि इसमें डालने में आप यूज़ कर सकते हो, जैसे इसकी PVC की जो ये क्या बोलते हैं ड्रम वगैरह भी आते हैं केमिकल और इत्यादि डालने के लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है एक्रिलिक रेजिन, ठीक है, तो एक्रिलिक रेजिन है ये रहा, ये कैसे बनते हैं, ये ईस्टर ऑफ एक्रिलिक तथा मैथ एक्रिलिक एसिड है, उनके पॉलीमर हैं, ठीक है। ये जो एक्रिलिक रेजिन है ये ट्रांसपेरेंट होते हैं तथा इनकी जो क्लेरिटी है बहुत ही अच्छी होती है, एक्सेलेंट क्लेरिटी होती है, तथा इनका जो रिफ्रैक्शन इंडेक्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद है पॉलिस्टर, पॉलिस्टर भी आपने खूब नाम सुना होगा, कपड़े ये जो फैब्रिक्स है कपड़े वगैरह बनाने में भी इसको काम में लिया जाता है, ठीक है। तो पॉलिस्टर है वो किससे बनाए जाते हैं, पॉली बेसिक एसिड तथा पॉलीहाइड्राइड हाइड्रिक अल्कोहल के केमिकल रिएक्शन से बनाए जाते हैं, जबकि इपॉक्सी रेजिन है वो बिसफिनॉल तथा क्लोरोहाइड्रिन की रिएक्शन से बनाए जाते हैं, जिसमें कैटलिस्ट के रूप में कास्टिक मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। पॉलिस्टर तथा इपॉक्सी रेजिन है इनका बहुत ज़्यादा फाइबर रिइंफोर्स प्लास्टिक में प्रयोग किया जाता है, फाइबर रिइंफोर्स प्लास्टिक बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है, साथ में पॉलिस्टर इनका जो कपड़े हैं इत्यादि बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो कुछ आपको प्लास्टिक के एग्जाम्पल बनाए थे, इसके अलावा नाइलोन भी है, बेकेलाइट भी है, ऐसे बहुत सारे प्लास्टिक है, ठीक है। अब बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन की, है ना, तो प्लास्टिक या जो पॉलीमर है उनको मोस्ट इम्पोर्टेंटली दो भागों में बांटा गया है, दो क्लास में बांटा गया है। पहली है थर्मोप्लास्टिक और दूसरी है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो कौन से होते हैं, जिनमें लीनियर या ब्रांच चेन पॉलीमर्स जो होते हैं उनको थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। अभी जैसे ये ऊपर वाली जो आपको दिख रही है ये वाली, ठीक है, ये जो इस प्रकार के हैं, ठीक है, इनमें ब्रांच भी हो सकती है, जैसे ऐसे निकली हुई ब्रांच है, ठीक है, ये इस प्रकार के प्लास्टिक कौन से होते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स, है ना। तो चैन पॉलीमर होते हैं जिनमें लीनियर भी हो सकते हैं या ब्रांच भी हो सकते हैं, ठीक है। इनको प्राप्त किससे किया जाता है, एडिशन या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से, मोनोमर्स पे यदि आप एडिशन पॉलीमराइजेशन या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करते हो, ठीक है, या को पॉलीमराइजेशन करते हो, तो आपको इस प्रकार के प्लास्टिक मिलते हैं, थर्मोप्लास्टिक। इस प्रकार के प्लास्टिक को बार बार सॉफ्ट, हार्ड तथा रीसॉफ्ट किया जा सकता है, है ना, यानी इनको रीसाइकल करके यूज किया जा सकता है हीट के द्वारा। आप जैसे आपको ध्यान में होगा कि आप जो कबाड़ में कुछ प्लास्टिक खरीदा जाता है और कुछ को नहीं खरीदते, तो ज़्यादातर जिनको खरीदते हैं वो कौन से प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक, क्योंकि उनको वापस से रिसाइकल करके यूज किया जा सकता है। रिसाइकल करने के लिए केवल हीट किया जा सकता है, वापस से उनको पिघला करके उनके नए प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इनको बार बार सॉफ्ट किया जा सकता है, हार्ड किया जा सकता है, रीसॉफ्ट किया जाता है हीट के एप्लीकेशन से, कई बार इनको यूज किया जा सकता है। तो इसके कुछ कॉमन एग्जांपल दे रखे हैं,
पॉलीएथिलीन है, पॉलीप्रोपाइलीन है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड है, पीवीसी है, पॉलीस्टाइरीन है, ठीक है, पॉली टेट्रा फ्लोरोएथिलीन है, पीटीएफई प्लास्टिक है, नाइलॉन्स है, एक्रिलिक्स है, इत्यादि थर्मोप्लास्टिक है जिनको बार बार यूज किया जा सकता है हीट के एप्लीकेशन से, ठीक है। दूसरे है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोसेटिंग मटेरियल वो होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर होती है थ्री डायमेंशन में, या नेटवर्क पॉलीमर होते हैं जो इस प्रकार के होते हैं, जो दिख रहा है, ठीक है, क्रॉस लिंक्ड हो सकते हैं या नेटवर्क पॉलीमर हो सकते हैं थ्री डायमेंशन में। तो इस प्रकार के प्लास्टिक कौन से होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। इनको बनाने की विधि है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से, मोनोमर्स का यदि आप कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करते हो तो इस प्रकार के प्लास्टिक बनते हैं, ठीक है। ये एक बार इनको यूज किया जा सकता है क्योंकि एक बार आपने हीट का और प्रेशर का एप्लीकेशन करके इनको हार्ड बना लिया, फिर इनको कूल किया, हीट है ना, हीट करने पे आपको जब भी प्लास्टिक का इनका प्रोडक्ट बनाना होता है तो हीट के एप्लीकेशन से बनाते हो आप, उसके बाद कूल हो के क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो एक बार इन पे प्रोसेस किया जा सकता है, फिर बार में एक बार ये सेट हो गए जो आकार ग्रहण कर लिया, फिर आप दोबारा इनका आकार है वो चेंज नहीं कर सकते, नहीं इनको रिसाइकल आप कर सकते हो, ठीक है। इस प्रकार के प्लास्टिक भी आपने देखा होगा कभी टीवी में, इनमें जो कैबिनेट में यूज होता था पहले, है ना, अपन कबाड़ में भी उसको बेचते थे तो वो उसकी जो बॉडी है उस प्लास्टिक को नहीं खरीदते थे, क्यों, क्योंकि वो रिसाइकल नहीं हो सकता, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक था, ठीक है। बेकेलाइट है ना, जो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स है, ठीक है। तो एक बार आपने इनको आकार दे दिया तो दोबारा से इनका आकार चेंज नहीं किया जा सकता, चाहे हीट या प्रेशर का एप्लीकेशन करके भी चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन इनकी जो हार्डनेस होती है वो उनकी तुलना में, जो थर्मोप्लास्टिक है उनकी तुलना में अच्छी होती है, स्ट्रेंथ भी उनकी तुलना में अच्छी होती है। तो इसके जो कॉमन एग्जांपल हैं वो है फिनोलिक्स है, एमिनोज है, पोलिस्टर है, इपोक्सीज है, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड है, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड है, तथा बेकेलाइट है। ये थर्मो सेटिंग प्लास्टिक का उसके एग्जांपल है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही।